फयाजुल हसन चौहान का ओपोजिशन लीडर की कोरोना रिपोर्ट पर शक का इजहार। शहबाज शरीफ से कोरोना टेस्ट शौकत खाना व आगा खान लेबॉरेटरी से कराने का मुतालबा। आले शरीफ का बैकग्राउंड झूठ फरेब और मुनाफिकत पर मबनी है। लीगी तर्जुमान शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। वजीर इतलाफ पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से बीमारी पर सियासत की गई। नैब पेशी पर शहबाज शरीफ को कॉफी नगेट्स और बिस्किट पेश किए गए। नौ तारीख को शहबाज शरीफ साहब पेशी जो नैब के सामने थी वहाँ पेश हुए और बिल्कुल वैसे ही कि लौट के बुद्धू घर को आए कि मजदाक उस भाग रहे थे पिछले तीन पेशियों से, लेकिन नौ तारीख को पेश हुए। दस तारीख को अपना इन्होंने टेस्ट करवाया। ग्यारह की शाम को जनाब उसको पॉजिटिव कर लिया। इनके तर्जमानों के बयान आना शुरू हो गए कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस लगाने की जिम्मेदार नैब है और ये और वो और फला फला। से ज्यादा शाह का वफादार मत बने। नैब ने सारी टीटीज दिखा दी हैं। पूरी इज्जत और एहतराम और वकार के साथ शहबाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया। कॉफी पेश की गई, बिस्कुट पेश किए गए, फिर नगेट्स पेश किए गए। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो कोरोना वायरस का टेस्ट इन्होंने पेश किया है फौरी तौर पर ये दो जगह से भी मजीद रेक्टिफाई करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए, या आगा खान और शौकत खानों से और दूसरा किसी सरकारी लैब से। आले शरीफ का बैकग्राउंड है वो झूठ फरेब फ्रॉड धोखादही और मुनाफकत के ऊपर मबनी है। और मैं ये मुतालबा करूंगा कि अब जब आप 14 दिन बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, नबी पाक के सदके आप सेहतमंद होंगे, फिर आपने पूरी दिलजमी के साथ पूरे लहक लहक के और महक महक के आपने जो करप्शन के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं आपकी अदालतों में और नैब में, फिर कोई बहानेबाजी नहीं करनी।